नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वशीकरण के इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप अपने पति को अपने वश में कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी में अनबन हो जाती है, उनका जो सोचने का तरीका होता है, जो विचार होते हैं, वो बहुत अलग होते हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ मन नहीं मिल पाता है और आपके आपस में बहुत ज़्यादा मतभेद हो जाते हैं। तो अगर आप चाहती हैं कि आपके पति आपके वश में हो जाएं, आपकी बात सुने, तो पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी होगी वो ये कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के लिए फोर्स ना करें। पहले ये जानें कि उनके मन में क्या है, उसके हिसाब से आप उनके साथ बिहेव करें, जिससे कि उन्हें ये ना लगे कि आप हर बात में उनके विचारों को गलत साबित करने की कोशिश कर रही हैं या अपने आप को उनके ऊपर थोपने की कोशिश कर रही हैं। जब इस तरह से आप उनके साथ रहने लग जाएंगी तो कुछ दिनों के अंदर अंदर ही आपका रिश्ता सुधरने लग जाएगा। इसके बाद आपको एक छोटा सा उपाय करना है, जो कि बहुत ही चमत्कारी उपाय है। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप अपने पति को अपने वश में कर पाएंगी और उसके बाद आपके पति आपका ही कहना मांगेंगे। जी हाँ, इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। मैं आपको बता देती हूँ, जो शादीशुदा महिलाएं हैं जो कि सिंदूर का उपयोग करती हैं, जो लाल सिंदूर हम लोग पूजा में भी इस्तेमाल करते हैं और शादीशुदा महिलाएं अपनी मांग भरने के लिए भी उसका इस्तेमाल करती हैं, सिर्फ लाल सिंदूर आपको लेना है और उससे ही आपका ये कार्य हो जाएगा। आपको एक मंत्र का उच्चारण करना होगा। जी हाँ, ये मंत्र बहुत आसान है बहनों। आपको इस मंत्र का उच्चारण पूर्णिमा के दिन करना है और सोमवार के दिन करना है। इन दो दिनों में से कोई भी दिन आप चुन लीजिए और उसके बाद आपको इस मंत्र का उच्चारण करना होगा अपने घर में। और आपको एक बात का ध्यान बहुत अच्छे से रखना होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने विचारों को कभी भी अपने पति पर थोपने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अगर आपको लगे कि आपके पति आपकी बात से सहमत नहीं हो रहे हैं तो उस बात को वहीं पर छोड़ दें और उनसे इस बात के लिए अपने आप को थोड़ी देर के लिए रोक लें कि आप उनको किसी भी तरह के काम के लिए ज़्यादा प्रेशर डाल के ना करवाएं। और इस उपाय से ऐसा होगा कि जो भी आपके मन की बात है वो आपके पति खुद ही करने को राजी हो जाएंगे। आपको किसी भी तरह की जोर या जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं आपको एक मंत्र बताने जा रही हूँ, जिस मंत्र का उच्चारण आपको करना है, जैसे कि मैंने बताया, इसे आपको सोमवार या फिर पूर्णिमा के दिन करना है। मंत्र बेहद आसान है। मंत्र है ओम कामदेवाय। आपके पति का जो भी नाम है वो लिखना होगा आपको और उसके बाद लिखना होगा वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। यहाँ पर आपको अपने पति का नाम लिखना होगा और इस मंत्र का उच्चारण आपको करना है 108 बार। जी हाँ, 108 बार इस मंत्र का उच्चारण कीजिए और उसके बाद आपको जो आपके घर का जो सिंदूर है, जो भी आप अपने माथे पर अपनी मांग में लगाने के लिए इस्तेमाल करती हैं, उस सिंदूर के ऊपर आपको फूंकना होगा। याद रखिए कि जिस टाइम आप सिंदूर के ऊपर फूंक रही होंगी, सिंदूर की डिब्बी खुली हुई नहीं होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। सिंदूर के ऊपर आपको फूंकना है 108 बार पढ़ के मंत्र और उसके बाद इस सिंदूर को अपने मांग में आपको भर लेना है। यानी कि जिस तरह से आप अपने सिंदूर लगाती हैं, उस तरह से आपको सिंदूर मांग में लगा लेना है और ये कार्य आपको 7 सोमवार या 7 पूर्णिमा तक करना है। पूर्णिमा जो है वो, अगर आप सिर्फ पूर्णिमा का इंतज़ार करेंगी तो ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए आप इसे सोमवार सोमवार के दिन करके देखिए। यकीन मानिए दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा आजमाया हुआ एक वशीकरण का मैंने आपको उपाय बताया, जिसके द्वारा आपके पति आपके वश में ज़रूर हो जाएंगे। तो आप इस उपाय को कीजिए और अगर आपका कोई और सवाल है, कोई और समस्या है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे नंबर पर कॉल करके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।